5 तारखेपासून पावाचे भाव वाढणार। बेकर्स असोसिएशन ऑफ नवी मुंबईच्या वतीने नवी मुंबईतील सर्व बेकरी चालवणाऱ्या 50 पेक्षा जास्त व्यावसायिकांना एकत्र बोलवून येत्या 5 तारखेपासून पावाचे भाव 1 रुपयाने वाढवणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले। मैदा गहू यांच्या भाव वाढल्याने बेकरी मालकांनी पावाच्या किमतीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे। गेल्या 3 महिन्यापासून बेकरीचा व्यवसाय करणाऱ्यांना आर्थिक छळ सोसावा लागत आहे। गहू आणि मैद्याचे भाव वाढल्यामुळे पावाच्या किमतीमध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे, त्यामुळे बेकरी चालकांना तोटा सहन करावा लागणार नाही। येत्या 5 तारखेपासून नवी मुंबईतील प्रत्येक विक्रीमधील पावाचा भाव वाढवण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे। आज यहाँ पे हम नवी मुंबई के 50 से प्लस बेकरी वाले यहाँ जमा हुए हैं और ये समस्या होती है तो ही हम यहाँ जमा होते हैं। समस्या हमारी ये है कि पिछले 3-4 महीने में मैदे का रेट इतना ऊपर चले गया है, रॉ मटेरियल का इतना रेट ऊपर चले गया है कि मजबूरन आज हमारी एसोसिएशन के माध्यम से सबको जमा करें यहाँ पे, और सबने ये फैसला हमने आपस में सब बेकरी वाले ने लिया है कि 1 रुपया रेट जो है 5 तारीख से इसको बढ़ाया जाए पूरे न्यू बॉम्बे में। और इससे बेकरी वालों की हालत बड़ी ख़राब हो गई है पिछले 3 महीने में, और ये रेट बढ़ने से ये होगा कि जितने रॉ मटेरियल वाले जैसे आपका मैदा वाला हो या ये सब हो जितने उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। आसानी इसलिए होगी कि अगर बिक्री वाला रेट बढ़ाएगा और जिस प्रपोर्शन में मैदे का रेट बढ़ रहा है उस प्रपोर्शन से उनका रेट पाव का रहेगा, लादी का रहेगा, तो उसको रॉ मटेरियल वाले को जो पेमेंट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, उनका वहाँ से स्मूथ फ्लो चलते रहेगा। और हमने ये एसोसिएशन खासकर इसलिए बनाया है कि हमारे कम से कम 6 जोन है नवी मुंबई में जो हमने बनाया है, सब जोन में अलग अलग मेंबर अपॉइंट किया है ताकि जो है हर एरिया का रेट बढ़े। अमोल कांबळे, संवाद मराठी लाइव, नवी मुंबई। श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड। श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्तनिवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, सीसीटीव्हीची नजर। आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 0192 26 69 12 72 76 47 38 54।